Assalamualaikum guys, welcome to Mazhar Raila Vlogs। आप सभी को हमारी तरफ से सातवां रोजा बहुत बहुत मुबारक। और गाइज आज मैं बनाने जा रही हूँ समोसा। ये मैंने अंडे बॉईल करने रख दी हूँ और चिकन डालूंगी उसमें और चीज मायो सब डालूंगी। जैसे जैसे मैं डालती जाऊंगी वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी गाइज। तो इतने सब कर ली हूँ, अंडा बॉईल हो चुका है और प्याज कट चुकी है। तो ये है, अंडा बॉईल कर ली, प्याज चीज और इसमें डालेगा मायोनीज और ब्लैक पेपर और मैं तेल भी गरम को रख दी हूँ। और गाइस मैंने कल जो चीज़ क्यूब बनाई थी उसके अंदर की जो चीज़ का मसाला बनाई थी वो भी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो देखते हैं जैसे जैसे जो जो डालूँगी तो मैं आपको बताती जाती हूँ। तो गाइस अभी मैं प्याज डाल रही हूँ। ये रही प्याज, प्याज थोड़ी सी भून जाए, हल्की सी एकदम खाली सॉफ्ट हो जाए प्याज, लाल नहीं करना है, सिर्फ हल्की सी सॉफ्ट वो हो जाए। तो इसमें अंडा डाल के और चिकन डालना है, फिर तो इसके बाद मायो और चीज़ वो सब डालने का है और फिर नमक और ब्लैक पेपर बस, और कुछ भी नहीं। गाइस प्याज हो चुकी है और अभी मैं उसमें डाल रही हूँ अंडा और मैंने चिकन भी डाल दी थी और अभी मैं उसमें अंडा डाल रही हूँ। अभी अंडा डालेंगे फिर उसके बाद उसको अच्छे से चलाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट आ, उससे ज़्यादा नहीं गाइस। फिर उसके अंदर डाल देंगे ब्लैक पेपर और नमक, मायोनीज और चीज। ये हो चुका है और अभी हम इसमें डाल रहे हैं चीज। तो चीज ऐसी अक्खी अक्खी डालो इसमें कि जब हम ऐसे समोसे का बाइट करें तो ऐसे चीज पूरी होना चाहिए तो बहुत मस्त लगेगा। तो चीज डालते हैं। तो ये चीज ऐसी अक्खी डाल दो कि चीज वैसे खींचने में आए तो बहुत अच्छी लगेगी भाई। तो ये थोड़ी सी हल्की सी मेल्ट हो जाए तो बंद कर दो और फिर बना लो अपने समोसे या रोल या क्यूब बना लो या जो। तो मैं देखूंगी कि मैं इसका समोसे बनाती हूँ या रोल बनाती हूँ या क्या, तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो चुका है। तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है, एकदम चीजी चीजी, अरे एकदम चीज़ी चीज़ एकदम, समझ रहे। और अभी मैं इसके बनाऊंगी, देखती हूँ समोसे या तो फिर रोल या जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं बनाऊंगी इसके। तो गाइस फिर बनाने के बाद देखते हैं और आपको बताते हैं कि हमने क्या बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह रोल तैयार हो चुके हैं। मैंने समोसा नहीं बनाई, मैंने रोल बनाई हूँ। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके के बनाई हूँ मैंने। तो गाइस देखते हैं अभी टेस्ट में कैसा है। तो फिर मज़ा खाएंगे तो मैं उनका रिएक्शन बताऊंगी और उनको कैसा लगा वो आप लोग को बताऊंगी गाइस। तो देखते हैं गाइस, अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ तो मैं तो नहीं टेक ले पाती। तो मज़ा अच्छा और सही टाइम पे आए हैं तो मैंने मज़ा को बोली कि मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा टेक ले लो उसका। तो गाइस ले लो बस, ज़्यादा एकदम डार्क ब्राउन नहीं करने का, सिर्फ हल्के से ब्राउन करने का और एकदम क्रंची क्रंची। तो गाइस देखते हैं अभी कैसे बने हैं, दुआ करना अच्छे बने हो। तो मजर को भी खिलाएंगे रोजे के टाइम पे, फिर बताएंगे मम्मी को भी खिलाएंगे, मजर को भी खिलाएंगे। सब चेक नहीं ले सकते पर मम्मी की आवाज आप लोग को आ जाएगी कि कैसे बना है। ओके, और मजर तो उनका मुंह का रिएक्शन देख के आपको पता चल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं रोजे के टाइम। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का रोजा खुल चुका है तो अभी मजर वो खाने जा रहे हैं जो मैंने बनाई है। अम्मी कैसा लगा तुम्हारे को, जोर से बोलो, आवाज आना चाहिए। हाँ अम्मी को भी बहुत अच्छा लगा गाइस। तो चलो फिर मिलते हैं। तुम वो मिर्ची टिक्की मिर्ची। तो गाइस चलो हम लोग की इफ्तारी हो चुकी है और हम लोग इफ्तारी करके उठे ही नहीं थे तो बेल बजी कैसे टिंग टांग करके। तो गाइस मुझे गिफ्ट आया है, ये बुके एक है सिद्रा नाम है उनका, सिद्रा टेन वाला करके वो केक बनाते हैं। तो उनकी तरफ से मुझे एक छोटू सा बुके आया है, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो थैंक यू सो मच सिद्रा, अगर आप हम लोग की वीडियो देख रहे हो तो
शुक्रिया ये बुके के लिए, और इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द आपको केक का ऑर्डर भी देंगे और फिर लोगों को वो भी बताएंगे कि आप केक कैसे बना रहे हो, कितना टेस्टी है, मैंने सुना हो, है ना, अच्छा बना। तो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द आपसे केक भी बनवाएंगे और फिर उसका भी रिव्यू देंगे। उनको जाके केक का ऑर्डर दो, उनका आईडी मैं इंस्टाग्राम पे मेंशन करूंगी, तो आप लोग जाके मुझे भी इंस्टाग्राम पे जल्द से जल्द फॉलो करो, राइला पठान 23। और मेरे को भी, मेरे को भी, मेरा, मैं भी, क्या मैं, क्या मैं भी, मैं भी, मजर पठान, मैजी पठान 130 मंत्री है। तो गाइस जाके हम लोग को फटाफट इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो और वहाँ पे भी आपको हमारी अपडेट मिलती रहेगी कुछ ना कुछ। ये देने के लिए हम लोग को सबको सिद्रा थैंक यू थैंक यू सो मच, और ऐसे हम लोग को गिफ्ट भेजते दो, हम लोग एक्सेप्ट करते रहेंगे सबका गिफ्ट। फैमिली को थैंक यू, पूरी फैमिली को, सिद्रा की पूरी फैमिली को हमारी तरफ से थैंक यू सो मच, आंटी अंकल को भी, ओके थैंक यू। तो चलो फिर मिलते हैं गाइस, हम लोग अभी नीचे उतर गए थे, तो गाइस मेला लगा है, मेला तो ये देखो डोंगरी पे मेला लगा है, बैठने का भी क्या बोला हम लोग सब फिर से मिल चुके हैं आज, तो ये अल्तमाश अलीशा कादिर भाई और आयशा छुपरी की हुए, हम लोग सब मिल गए हैं। और गाइस अल्तमाश हम लोग को उसकी बर्थडे की पार्टी दे रहा है, इसकी बर्थडे ही नहीं खत्म हो रही है, जरा भी थी ना हम लोग की इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा था, अल्तमाश भाई की भी जरा भी हो गई बाकी है तुम्हारी हो गई है, मेरी पूरी 30 दिन की बाकी है। तो गाइस देखते हैं अभी हम लोग कहाँ खा रहे हैं, फिर आप लोग को बताएंगे। गाइस हम लोग आ गए हैं अभी जहाँ खाना खाने आए थे वहाँ, तो मतलब खाने का इंतजार कर रहे हो, मदर की फेवरेट चीज आ गई है, और तीन चार ले गया। तो आज हम लोग को क्या है, आज अपने को क्या है, पार्टी है, शेक लोग है अपने कंट्री में, कादिर भाई और ईशा दीदी, अल्लाह दीदी बोल दिया तुम्हारे को, बड़ी हो ना उसे दीदी, खाला बन गए तो दीदी, क्या भाई खाला, इनकी शादी में तो ये हम लोग को देंगे, हाँ भाई हाँ देंगे, आप क्या कहना चाहोगे, जमा करके मेरे को दे, नहीं वो जमा करने के लिए मैं बाजू में बैठूंगा, गिनने के लिए मैं बैठूंगा, खाना खा के फिर मिलते हैं आपसे इन लोग की, और तुम्हारे इधर बातें तो चालू रहेगी, तुम तो बिजी खाना खा के घर वालों का अटेंड कर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना पीना हो चुका है, और ये देखो खाने के बाद का हाल सबका क्या हो गया, अल्तमाश भाग नहीं आ पा रहा है, अल्तमाश फंस गए, मैं भी फंसा था अभी, अल्तमाश को खींच के बाहर सही, तौबा कौन बोलता है इतना खाने के लिए, हाँ तुमसे ही सीखे हम लोग इतना खाने के लिए, चलो गाइस तो फिर मिलते हैं, तो अभी हम लोग नीचे उतर के जा रहे हैं दरगाह पे, लेकिन राइला अभी भी रोल देखते हुए खड़ी, देखो देख रहे, गलत नहीं बोलता हूँ मैं, तुम लोग ऐसा लगता है ना ब्लॉग में ऐसा बोलता, लेकिन गलत नहीं बोलता, गलत नहीं बोलते हो आप, गलत नहीं बोलता, मैं देख रही थी खाली, ऐसा क्यों देख रहे थे, दूसरा जो खाएगा उसको नजर लगेगी, क्या ही बोलेंगे बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की सहरी ये सब हो चुकी है, और इसी के साथ ये ब्लॉग आज मैं यहीं एंड कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, एंड गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।